राष्ट्रीय संविधान दिवस पूरे देश में मनाया गया। शहर में भी इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं रैली निकाली गई। राष्ट्रीय संविधान दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय घटना के शिल्पकार परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को सम्मान पूर्वक नमन किया जा रहा है और आज ये दिन बौद्ध बांधव के साथ सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर मना रहे हैं तथा एक दूसरे को इस दिन की बधाई दे रहे हैं और आज शहर में भी अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय संविधान दिन मनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पुतले को माल्यार्पण कर शहर में रैली का आयोजन किया गया जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने सहभाग लिया। इस रैली में पूज्य भंते जी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, बौद्ध बांधव के साथ अन्य समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। इस रैली में चंद्रपुर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमनार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापलकर, SDPO सुशील नायक, प्रवीण खोबरागड़े, मंगेश गुलवाड़े, अश्विनी खोबरागड़े आदि मौजूद थे। इस रैली में तरह तरह की झांकियां शामिल थी जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, जिसमें मुख्य रूप से संविधान के पहले का भारत एवं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा आज ही के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारे देश का संविधान सौंपने का भी दृश्य था। इस रैली में हमारे विशेष संवाददाता गणेश अडलूर के साथ वैभव रुयारकर भी मौजूद थे। इस रैली में विभिन्न प्रकार के पथक भी शामिल थे जिसमें लेजिम पथक तथा विशेष रूप से पंजाब से आए हुए पुलिस बैंड, आदिवासी नृत्य, जिसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई थी। प्रस्तुत है इस रैली की कुछ खूबसूरत झलकियां हमारे तंत्र निर्देशक शैलेश गणवीर की नजर से। भारत भूजी या विश्वाता, भारत भूजी या विश्वाता, उनका विमान भीमराया से बोले संविधान, भीमराया से बोले संविधान, भीमराया से बोले संविधान, भीमराया से बोले संविधान। आज के पावन दिन के उपलक्ष्य पर जिलाधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमनार ने कहा, आज 26 नवंबर भारताचे लोक भारताला संविधान अंगीकृत करण्याचा आजचा दिवस आहे आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मला अत्यंत आनंद होत आहे की एवढ्या मोठ्या उत्साहाने यापूर्वी कधीही मी संविधान दिन साजरा झालेला दुसऱ्या जिल्ह्यांमध्ये बघितलेला नाही। अतिशय उत्सवाचं वातावरण शहरामध्ये आहे। संविधानाने खऱ्या अर्थाने भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क दिलेले आहेत। राष्ट्राची एकता अखंडित राहण्याचं कार्य या संविधानाने केलेलं आहे आणि सर्व कायद्यांसमोर सर्व नागरिक समान आहेत।
असा एक संदेश या संविधानाने दिलेला आहे। त्यामुळे या संविधान दिनानिमित्ताने प्रत्येक नागरिकाने संविधानाचे मूलभूत वाचन करायला हवे। किमान आपले मूलभूत कर्तव्य आणि अधिकार यांचे तरी किमान संविधानामध्ये वाचन आपण सर्वांनी करायला हवे। या निमित्ताने सर्वांना संविधान दिनाच्या पुन्हा एकदा हार्दिक शुभेच्छा देतो। तथा अन्य लोगों में प्रवीण खोब्रागडे तथा अश्विनी खोब्रागडे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज सर्व भारतवासियांना संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 26 नोव्हेंबर 1949 या भारत देशाला जी घटना अर्पण केली त्याची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 झाली आणि त्यानुसार ह्या घटनेवर संपूर्ण भारत देश चालत आहे आणि प्रत्येक व्यक्ती ह्या घटनेवर चालत आहे। आणि आपण सांगू इच्छितो चंद्रपूर शहरात आम्ही मागील 7-8 वर्षापासून फार मोठी अशी भव्य रॅली काढत आलेलो आहोत आणि ह्या रॅलीला संपूर्ण समाज म्हणजे सर्व जाती धर्माचे बांधव लोक ह्या रॅलीला उपस्थित राहतात आणि फार अशी 25-30 हजार लोकांची रॅली असते जेणेकरून लोकांना संविधान काय आहे संविधानची जाणीव व्हायला पाहिजे आणि संविधानाचं महत्त्व कळायला पाहिजे म्हणून आम्ही पहले तो मैं पूरी जनता को संविधान दिन के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। या फिर ऐसे समाज ही ये रैली निकालते हैं या फिर संविधान इन्हीं का है बाबा साहब इन्हीं के ये जो मानसिकता है इसकी वजह से बाकी जगह है जगह संविधान रैली का उतना फोर्सली अवेयरनेस नहीं है। तो आने वाले दिनों में वो हो जाएगा। लोगों को समझ रहे हैं बाबा साहब हर समाज को समझते हैं और हर समाज के लिए बाबा साहब ने किया है तो दिल में एक दूसरे के लिए प्यार लेके अगर हम चलते हैं तो आगे वाले भी चलेगा और ऐसे धीरे धीरे करके अपना संविधान का अवेयरनेस होगा। अंत में आप सभी को सीटीवी न्यूज की ओर से राष्ट्रीय संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीटीवी न्यूज के लिए हमारे विशेष संवाददाता गणेश अडलूर के साथ वैभव रुयारकर और साथ में तंत्र निर्देशक शैलेश गणवीर की विशेष रिपोर्ट।